नफरत वाला, भ्रुक्ति तान करके दूसरे को चढ़ाने वाला, सांप्रदायिक ताकत को बढ़ाने वाला जय श्री राम नहीं करेंगे। मेरे जैसे व्यक्ति को भी आरएसएस ट्राई करती है, मेरे जैसे व्यक्ति को जो सब कुछ स्पष्ट है, केवल गूगल पे नाम डालिए नीरज भाई पटेल, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हूं। मेरे जैसे व्यक्ति को आरएसएस ट्राई करती है और आप अपने घर के बगल के व्यक्ति को ट्राई नहीं मारते, इसमें तकलीफ कहां है कि हम कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता। नहीं मानता तो नहीं मानता यार, जबरदस्ती बनवा लोगे क्या? ये तो हमारे व्यक्तिगत विषय है ना, ये कि सामंती मनुवादी और चुटियाधारी ये सब ताड़न के अधिकारी कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। हम सब लोगों को मूर्ख कैसे बना रहा है? यहां हम लोग कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन घर में जाकर के जब आप टीवी ऑन करते हैं, इसको बुद्धू बक्सा कहते हैं, अब वो अब हमें बुद्धू बना रहा है। पहले वो बुद्धू बक्सा था, अब हमें बुद्धू बना रहा है। इसलिए क्योंकि 24 घंटे अगर आप उस बुद्धू बक्से को खोल के रखेंगे तो 24 घंटे में से 20 घंटे उसमें एक शख्स का, एक पार्टी का, एक विचारधारा का प्रचार प्रसार चालू रहेगा। और मान लीजिए अब महिलाएं कहेंगी कि हम तो वो चैनल उसमें देखते नहीं, न्यूज चैनल, हम तो उसमें तमाम सीरियल्स देखते हैं। तो उनको पता है जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, आपको भले ही ना पता हो लेकिन उनको पता है कि आपको मूर्ख कैसे बनाना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पहले हमने चंद्रकांता, रामायण, महाभारत ये सब शुरू किए थे, लोगों के अंदर जागरूकता आ गई, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, चंद्रशेखर यादव जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, यहाँ इन तमाम संगठनों के लोग अभी लोगों को समझाने लगे कि इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। उसमें गालियां दी गई हैं शूद्रों को, महिलाओं को। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो नए नए सीरियल आ गए। समझिएगा, सीरियलों के नाम है डायन, है चुड़ैल, नागिन, है कि नहीं सीरियल के नाम? ये क्यों लाए गए? तुम उस तरफ ना जाओ तो इस तरफ आ जाओ, लेकिन रहो पाखंड में ही। जब आप देखोगे तो आपके बच्चे देखेंगे, बच्चियां देखेंगे, और उनको लगेगा कि डायन, चुड़ैल और नागिन जैसी कोई चीज होती होगी। आते हैं ना ये सीरियल, देखो बच्ची हाँ सीरियल ला रही है। इसलिए सिर्फ टीवी चैनल्स में वो न्यूज चैनल जो आपको एक विचारधारा का गुणगान करता है, वो ही बंद नहीं करना है, बल्कि इस तरह के सीरियल भी देखना बंद करना है। अब जब कहा जाएगा कि इस तरह के सीरियल देखना बंद कर दो जहां पाखंड फैलाते हो, तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हें यह समझ में आ गया कि कोई व्यक्ति सूर्य को कैसे निगल सकता है, इतना ये बहुजन समाज के लोगों ने समझा दिया। तो उन्होंने कहा बाल हनुमान देखो, ये समझ में आ गया कोई कोई उंगली पर कैसे पर्वत रख सकता है, तो उन्होंने बाल श्री कृष्ण देखो, बाल गणेशा देखो, देखो यही घुमा फिरा करके रहो हमारे पाले में ही। तो हम सब की यह जिम्मेदारी है कि नेताओं को गाली देने से पहले, ब्यूरोक्रेट्स को गाली देने से पहले, संगठन के लोगों को गाली देने से पहले इस तरफ उंगली करें इस तरफ, और खुद से ये पूछें कि हमारे आचरण में कितना बदलाव और कितना परिवर्तन हुआ। जैसे मैं विभिन्न मंचों से एक अपील करता हूं बहुजन समाज के लोगों से कि अगर हम बहुजन बन गए तो, जो जागरूक नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा, जो मानते हैं कि हम जागरूक हो गए हैं, वो कम से कम अपने शरीर से 3 आइडेंटिटी कार्ड, जो पहचान पत्र है जो बताते हैं कि हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम हैं, वो 3 आइडेंटिटी कार्ड आपके शरीर पर नहीं होने चाहिए। 1 लंबा चौड़ा तिलक, 2 हाथ का लाल धागा, 3 गले का कंठा। ये 3 गुलामी के सूत्र अगर आपके शरीर में हैं, तो आप बहुजन नहीं हो पाए, आप जागरूक नहीं हो पाए, आप गलतफहमी में हैं। ये उसी तरीके से है कि मुंह में राम बगल में छुरी, उसी तरीके से है मुंह में नमो बुद्धाय जय भीम और हाथ में लाल धागा, ये सेम चीज, कोई अंतर नहीं है इनमें। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है जय श्री राम वालों से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके मुंह से जय भीम या नमो बुद्धाय निकल रहा है, ये बहुत कठिन शब्द हैं जो तपस्या के साथ यहां तक पहुंचे हैं कि उनका नाम लिया जा रहा है, इन शब्दों को बर्बाद और बदनाम मत करिए। अगर मुंह से जय भीम और नमो बुद्धाय निकल जा रहा है तो अपना शरीर कम से कम ठीक कर लीजिए, उस शरीर पर गुलामी की निशानी धारण मत करिए, वरना आप करिए जो तमाम संबोधन दुनिया भर में फैले हुए हैं, उन संबोधनों को लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इन संबोधनों के लेते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक बात मेरी बड़ी बहन अभी जो बोल रही थी, उन्होंने बहुत अच्छे से महिलाओं को समझाया। मैं ये सोच रहा था कि वो जो सारी चीजें बोल गई उनको कुछ भी रिपीट नहीं करना है, एक बात जो उन्होंने छोड़ दी वो रिपीट कर दे रहा हूं। एक टीवी सीरियल से एक नया चलन शुरू हुआ है, टॉपअप, मोबाइल में टॉपअप किया जाता है ना, 1 महीने का, 1 साल का, 6 महीने का होता है ना,
फिर चलता है 6 महीने मोबाइल चल जाता है, उसकी सिम चल जाती है, 1 साल चल जाती है। वैसे ये टॉपअप शुरू हुआ है टीवी सीरियल के माध्यम से, करवा चौथ वाला टॉपअप, 1 साल का रिचार्ज करो पति 1 साल चलेगा, है ना टॉपअप, और फिर करो 1 साल फिर 1 साल चलेगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूं, मुझसे ज्यादा ज्यादा उम्र के लोग यहां बैठे हैं, कि मेरा टॉपअप 5 साल से नहीं हुआ, फिर भी चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, बिना रिचार्ज के धड़ल्ले से चल रहा हूं। इसलिए इस टॉपअप को करना बंद कर दीजिए। हम देखिए सिर्फ ब्राह्मणवाद की मनुवाद की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, हमें यह समझना पड़ेगा कि हमसे चूक कहां हो रही। वो लोग इसी शहर के मुख्यमंत्री बन गए, उनकी मैं तारीफ करता हूं उस तरफ के लोगों की, उनको पता है कि हमको किसका वोट लेना है, लेकिन किसका वोट लेकर के किसके लिए काम करना है ये उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, और किस विचारधारा के लिए काम करना है ये भी पता है, पता हमें नहीं है और हमारे लोगों को नहीं। इसलिए उनकी गाली में समय व्यर्थ मत करिए, अपने से सवाल करिए कि हम कितना धीरे धीरे करके चेंज हो गए। अभी बगल में मेरे बैठे हुए थे लक्ष्मण जी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो जो होता है ना क्या बोलते हैं पितृपक्ष वाला सिस्टम यहां होता है कि नहीं, बोले वो पाखंड एक ऐसी चीज है जो पूरे देश भर में समानता से लागू की गई, उसमें भेदभाव नहीं है, पूरे देश में एक जैसा पाखंड समान रूप से लागू किया गया है। तो जो पितृपक्ष और श्राद्ध मनाते हैं लोग, उनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जैसे किसी का खेत यहां से 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर है मान लीजिए, और उस खेत में अगर पानी लगाना हो तो पाइपलाइन वहां तक पहुंचानी पड़ेगी कि यहां पानी डालोगे वहां पहुंच जाएगा खेत, पाइपलाइन डालना पड़ता है ना। किसानों से पूछिए कितना लंबा लंबा पाइपलाइन रात भर इंतजार करना पड़ता है। आप सोचो कि भरतपुर के भरतपुर में यहां पानी डालने से बगल के खेत में नहीं पहुंचेगा, पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, लेकिन नीचे पितृपूजों के ऊपर पहुंच जाएंगे बिना पाइपलाइन, गजब है। पता सब कुछ है, जानते सब कुछ है, मानते नहीं, पता तो है ना ये बात। तो अब करना क्या है, विरोध नहीं करना है, बायकॉट करना है बहुत तरीके के साथ। जब कोई चुटियाधारी एंटीना ब्रिगेड का सिपाही आपके घरों पर आए और कहे कि हमें गाय दे दो उसका दूध हम पिएंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, मिठाई हमें दे दो उसका उसकी मिठाई हम खाएंगे तो ऊपर पहुंच जाएगी, यही तो बताते हैं, हमें अच्छे कपड़े सिलवा दो तो ऊपर आपका पूर्वज जो है वो बड़ी खुशहाली से रहेगा, हमें साइकिल दे दो तो ऊपर वो साइकिल से चलेगा, यही तो बताते हैं। भाई क्यों देते हैं उसको दान, यही तो कहते हैं कि तुम हमें दो हम ऊपर पहुंचा देंगे, यही तो कहा जाता है। तो इस बार जब आए वो एंटीना वाला, तो उससे एक बात कहनी है कि कल हमारे सपने में हमारे पुरखे आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि हमें ऊपर, जिसको वो ऊपर कहते हैं नहीं कुछ, क्योंकि जिंदा जाता नहीं है मरा बताता नहीं है तो स्वर्ग नरक की खोज हुई कैसे, लेकिन फिर भी वो बताते हैं तो मान लो उनके अनुसार कह दो कि तुम जो कहते हो कि हमारा पूर्वज जो ऊपर है उसने हमें सपने में, इनकी देवी देवता कैसे बताते हैं सपने में आके, और कोई तरीका नहीं सपने में आके बताते, तो कह दो सपने में आके हमें बताया कि मुझे ऊपर घोड़ा बना दिया गया घोड़ा, और मेरे नाल नहीं ठोकी गई, तो मुझे जब दौड़ाते हैं उससे काम करवाते हैं तो दर्द बहुत होता है, तो तुम नाल ठुकवा दो ऊपर ठुक जाएगी। भाई नीचे हो रहा है जो तो सब कुछ ऊपर पहुंच रहा है, तो कह दो वो पुरखे कि खुर में बहुत दर्द होता है तो तुम नाल ठुकवा लो अपने पैरों में, ऊपर अपने आप ठुक जाएगी, भागा हुआ नजर आएगा, और जब भाग जाए तो कह दो कि ये जब ऊपर नहीं पहुंचेगा तो वो सब कैसे पहुंचा था। और ना समझ में आए ये कठिन तरीका लग रहा हो तो एक और आसान तरीका बता देता हूं। जब आए एक बार आए थे मेरे घर में भी, तो मेरे जैसा कोई खुरापाती आदमी रहा होगा, उसने कहा आप जितनी भी चीजें अभी तक ले गए कह करके कि तुम्हारे पुरखे के पास पहुंचेंगी, एक भी नहीं पहुंची। तो उसने कहा कैसे, तुम्हें कैसे पता चला कि एक भी नहीं पहुंची? बोले नहीं मुझे जानकारी है कि जितनी भी सामान पहुंचाया था आपने वो बीच में कहीं रुक गया, मेरे पुरखे के पास नहीं पहुंचा। बोले अरे यार कैसे हो सकता है ये, तुम्हें किसने बताया? तो बोले नहीं मेरे पास पत्र आया था एक ऊपर से, उन्होंने मुझे बताया कि जितने भी सामान तुमने भिजवाए हैं हमारे नाम एक भी नहीं पहुंचे। तो बोले पत्र किस माध्यम से आया था? बोले जिस माध्यम से तुम ऊपर भेजते हो उसी माध्यम से नीचे आया। पता सब है, मजा आ रहा है सुनने में, लेकिन अमल करना है, वरना ऐसे ही गुदगुदाते रहोगे और ऐसे ही तानाशाही लोग आपका नुकसान करने के लिए सत्ता में आते रहेंगे। इसलिए अगर इस तरह के कार्यक्रमों में आए हैं आप लोग तो एक गांठ बांध लीजिए, इस तरफ वाले भी और इस तरफ वाले भी,
कि आज के बाद आपके जीवन का एक रुपए भी पाखंडी कर्मकांड में खर्च नहीं होगा, एक रुपए भी। हर कोई व्यक्ति मेरी तरह या मंच के लोगों की तमाम लोगों की तरह नहीं हो सकता। जैसे मैं खुला ऐलान करता हूं कि मेरे लखनऊ के घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि दोनों एक साथ आते हैं। जहां भूत नहीं है वहां भगवान की भी जरूरत नहीं है, जहां भगवान नहीं है वहां भूत नहीं आता, दोनों एक साथ ही आते हैं, तो मेरे घर में दोनों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन हो सकता है तमाम लोगों को ये हाई डोज लगे, तो पहले होम्योपैथी की गोली ले लो मीठी वाली, कि कम से कम जब तक इन मिट्टी के माधवों को घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, तब तक उस बीच के बिचौलियों को बाहर निकाल दो, जो अभी बहन बता रही थी कि तुमसे ही दलाली खा के तुम्हारे आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, बसे लगवाता है, इतना तो हो सकता है। भाई हम नहीं कह रहे कि तुम जो भी पूछते हो मिट्टी के माधव पूछते रहो, लेकिन जो बिचौलिया बीच में आता है कहता है हम एजेंट हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अच्छा बताइए, जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय जब मंदिर में नोट चढ़ाने जाते थे, मिट्टी की वो मूरत कहती थी कि नोट न चढ़ाओ, या पुजारी कहता था? कौन कहता था कि ये नोटबंदी हो चुकी, ये वाला नोट नहीं चलेगा? पुजारी कहता था ना। इसका मतलब किसको दे रहे हो नोट, सबको पता है। अच्छा इसी राजस्थान से उदाहरण दे दें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। दो भगवादारी बहुत चर्चित हुए, एक तो बाबा बालकनाथ हुआ चर्चित इस बीच में, और एक बाल मुकुंद आचार्य। दोनों को जितने लोग सुन रहे हैं, संवैधानिक व्यक्ति हूं इसलिए संविधान को ध्यान में रख के बोलता हूं, जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं इन दोनों लोगों से पूछें कि तुम भगवादारी होकर के राजनीति में क्यों आए। वो आए किसी भी वजह से होंगे, जवाब उनका ये होगा कि हम समाज कल्याण के लिए, समाज के हित में लोगों का भला करने के लिए आए, यही कहेंगे। तो अगर मंदिर से पूजा पाठ से भला हो रहा होता तो तुम विधायक क्यों बनते, पूछना उनसे जरा। ये आपके सामने उदाहरण है। अगर ये भगवादारी लोग हमारे उत्तर प्रदेश में भी योगी बाबा हैं, अगर मठ से उनके महंत रहते हुए समाज का कल्याण हो रहा होता तो मुख्यमंत्री क्यों बने तुम? इसका मतलब राजनीति हर ताले की कुंजी है, यही बात आपको समझनी है। आप लोग सिर्फ एक चीज में ताकतवर हैं, अंबानी अडानी से सिर्फ एक चीज में ताकतवर हैं या बराबर हैं, इस वोट की ताकत। बाकी आप उससे किसी भी चीज में ताकतवर नहीं है। सिर्फ एक चीज आपके पास ताकत है या बराबरी की है कि अंबानी अडानी और भजनलाल शर्मा जी के वोट की जो ताकत है, एक वोट की, वही ताकत समान आपके भी वोट की है। इसलिए बहन ने कहा कि राशन में मत बिको, मैं कहता हूं बिक जाओ, इसलिए क्योंकि राशन उनके घर की बपौती नहीं है, तुम हमारे आपके टैक्स के पैसों से ही जो आ रहा है वही दिया जा रहा है। आप नहीं लोगे कोई दूसरा ले लेगा, राशन रख लो लेकिन वोट वही दो जहां देना चाहते। अगर आपको फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव करके अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है तो हम पेश कर रहे हैं दोस्तों भारत में बना पहला गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन।